सभी को मेरा जय जनन। मेरा नाम प्रिया है और मैं दमोह की रहने वाली हूँ। आज मैं आपके लिए रबड़ी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और उसको कैसे बनाते हैं। ट्राई करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। हम बनाते हैं रबड़ी, उसके लिए लेंगे 1 कप मिल्क। अब ऐड करेंगे 2 स्पून मिल्क पाउडर। अब ऐड करेंगे 1 पिंच इलायची पाउडर एंड 2 स्पून शुगर। इसको स्लो गैस पे पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अगर आपके पास केसर हो तो उसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं जिससे कलर अच्छा आएगा। अब केक बनाने के लिए हम एक बर्तन में दही, घी और शक्कर को तब तक फेंट देंगे जब तक वो आपस में मिक्स ना हो जाए। अब हम इसमें आटा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और इलायची पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। केक की कंसिस्टेंसी अच्छे करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। अब आखिर में हम इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे आपस में मिक्स हो जाए। अभी बैटर बेक करने के लिए रेडी है तो इसके टिन में हम ऑयल ग्रीस करके इसमें बैटर रख देंगे और इसको बेक करने के लिए रेडी करेंगे। ये हम कढ़ाई में सॉल्ट या फिर रेत रख के थोड़ी देर गर्म करने देंगे और यहाँ हमारी रबड़ी भी रेडी। अब हम केक को कढ़ाई में रख के थोड़ी देर उसको स्लो आँच पर पकने देंगे जब तक वो अच्छे से बेक ना हो जाए। बेक हुआ है या नहीं उसको हम एक स्टिक डालकर उसको चेक करेंगे। अगर वो क्लियर आई मीन्स अच्छे से बेक हो गया। इससे बाहर निकाल कर उसमें अच्छे से स्टिक से छेद कर लेंगे जिससे रबड़ी उसके अंदर अच्छे से फिल हो जाए। केक पे अच्छे से होल हो जाए तो उस पर हम रबड़ी फैला देंगे। उसके चारों तरफ अच्छे से रबड़ी को फैलाएंगे जिससे वो अच्छे से कवर हो जाए। अब केक को ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करिए और ये हमारा केक रेडी।